जिला अंबेडकर नगर से बसपा प्रत्याशी कमर हयात ने नामांकन के दौरान मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता के दौरान सपा व भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लड़ाई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हमारी होगी, लड़ाई मुस्लिम समुदाय के लोग बहन जी से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया है। विकास को लेकर जनपद में हुए विकास कार्यों को लेकर बसपा प्रत्याशी द्वारा ये भी कहा गया कि ये विकास बहन जी के कार्यकाल में हुआ है और सर्व समाज के लोगों को सम्मान भी मिला, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिले में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं दिखा। बसपा प्रत्याशी कमर हयात ने साधा निशाना और अपनी जीत का डंका पीटते हुए अन्य पार्टियों को चुनौती देते हुए आक्रोश जताया। इतना ही नहीं, गरीब जनपद वासियों को जो इज्जत सम्मान बहन जी की सरकार में मिली, वह इज्जत सम्मान गरीब परिवार को इस सरकार में नहीं मिल रही है। बसपा प्रत्याशी ने कहा, मुद्दा जो है वह मुद्दा गरीब जनता स्वयं जान रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इनसे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बहन जी ने हम जैसे मुस्लिम समाज को अपना आशीर्वाद दिया है और अम्बेडकर नगर से बसपा की जीत अवश्य होगी। देखिए, मैं तो अभी नामांकन करा करके निकल रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने सभा की और जिस तरीके से सर्व समाज के लोग, उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों की जितनी ज़्यादा भागीदारी थी, उससे हम लोगों को बिल्कुल से यह साबित हो गया है कि चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। क्या मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे तो हमारा मतलब मायावती जी ने जो विकास किए हैं आपके अम्बेडकर नगर में, वो किसी से छुपा तो है नहीं, ये है। और तमाम मान सम्मान, मतलब ये कहने का, बहन जी के कार्यकाल में जो कुछ रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है, सर समाज को जो सम्मान दिया है और जो विकास हुआ है मायावती जी के कार्यकाल में, वो सब तमाम मुद्दे हमारे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ और समाजवादी पार्टी आज क्या कर रही है, वो सब मुद्दे रहेंगे। बीजेपी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है, वो सब मुद्दे रहेंगे। बसपा ने आपको मुस्लिम कैंडिडेट के लिए उतारा है, कुछ सोच समझ के कुछ जिम्मेदारी दी होगी आपको? जी देखिए, मैं तो पहली बार बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अम्बेडकर नगर सीट पर, जहाँ पे वो खुद पाँच तीन तीन बार सांसद रही, उन्होंने जो है हमको, एक मुस्लिम समाज को जो है आपके जो है भागीदारी दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, हमको उतारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज हर तरीके से इससे बहुत खुश है और बहन जी को इसका जो है इसमें कामयाबी दिलाएगा। लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई देखिए, समाजवादी पार्टी से तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज के लोग तो सब इधर हमारी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही, देख ही रहे। बाकी हमारी लड़ाई बीजेपी से और हमारी बसपा से लड़ाई है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ नारे लगाओ, फ्री अनाज, किसान सम्मान निधि योजना। भाई वो तो है, हर आदमी अपना चुनाव में जा रहा है, अपना बात अपनी बात करेगा ही। सपा का आरोप है बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है? सपा का आरोप है? और कौन तरीके से सपा बी टीम का काम कर रही है आप देख रहे हैं, हर तरीके से देख रहे हैं आप, और सब तमाम चैनल चल रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं, उस पर मैं क्या कहूँ। मतलब ये क्या रहेगा जी क्या चुनाव में? मैं हकीकत देखिए आप लोगों से छुपा नहीं रहा हूँ, चुनाव में इस वक्त जो है हमारी, हम और बीएसपी की और बीजेपी की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है, इसलिए बाहर हो चुकी है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है, जो अक्सरियत से समाजवादी में हुआ करते थे, वो हमारे साथ सब लोग बहन जी के साथ जुड़ चुके हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।